आज मैं एक कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने अंडे को बॉयल कर लिया था पहले ही, और एक तरफ मेरा देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अब मैं इसमें डालूँगी एग, और हम इसे गोल्डन फ्राई होने दूँगी। इसे हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, हल्के हाथों से थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये टूटे ना। तो जैसे ही ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये मेरा मैंने इसमें डाला है 2 रेड चिल्ली, सूखा रेड और सूखा चिल्ली डाला है मिर्च, और इसमें मैंने डाला है हरी मिर्च भी डाली है, और खड़ा गर्म मसाला भी डाला है। तो और मैं इसे चला दूँगी अच्छे से। ये देखिए गाइस, मैं दिखा देती हूँ अच्छे से, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ये ड्राई हम बना रहे हैं, ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं डालेंगे, और इसे हम प्याज को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। इसमें मैंने स्वाद के लिए थोड़ा 2-4 लहसुन का कली डाला है ताकि वो स्वाद बढ़ा दे, और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें डाला है नमक, स्वाद अनुसार डालिएगा गाइस। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैं मिक्स कर लेती हूँ। मेरा ऑलमोस्ट प्याज हो चुका है रेडी, और इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी नमक पहले डाला है तो टमाटर बहुत जल्दी गल जाएगा। ये देखिए, हम इसे चलाते रहेंगे, और यहाँ पे लो फ्लेम करेंगे, लो फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो मेरा मसाला भी जल जाएगा, इसीलिए आराम से हम लोग कुक करेंगे इसे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें डाल रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर। अभी मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी। मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने नॉर्मली मसाला ही डाला है, ज़्यादा ऐड नहीं की कुछ भी मसाले को, जो जो है घर में आप वही डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं कुछ है तो भी आपका वो बन जाएगा एक कड़ी, डोंट वरी। ये एक बारी रेसिपी ट्राई करिएगा गाइस, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, मेरा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। देखिए, साइड साइड से तेल भी निकलने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मेरा मसाला जले ना। तो ये देखिए, मैंने पानी को ऐड कर लिया है, और हम इसे आराम से चलाते रहेंगे। बस 5 मिनट चलाएंगे, इसे हम कुक करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मसाले को एब्जॉर्ब कर ले और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। हम इसे ऐसे ही थोड़ा देर चलाएंगे। ये देखिए, मेरा बन करके हो गया मसाला तैयार, और ये साइड से तेल भी निकल गया है, तो ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, सारा रेडी हो चुका है मसाला। तो अभी देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देती हूँ, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ग्रेवी बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं ग्रेवी को, गाढ़ा चाहे पतला। तो मैंने डाला है एक गिलास पानी, और इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे, और एक उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे चलाएं, ये ऑन रखेंगे। ये देखिए, मेरा एक उबाल आ चुका है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है,
और अब हम इसमें ऐड कर दिए हैं हमारा जो एक था फ्राई करके रखे थे वो, इसे मैंने पीसेस में डाला है, मैंने पीसेस करके कट करके डाला है। तो आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो पीसेस करके, तो मैंने पीसेस करके डाला है। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ गरम मसाला स्वाद के लिए, और बस हम इसे 5 मिनट और इसे रखेंगे गैस पे, ताकि मेरा अच्छी तरह से जो अंडा भी डाला है वो इसके साथ मिल जाए। तो ये देखिए गाइस, मेरा बन करके हो गया है तैयार, और इस टाइम पे हम थोड़ा देर और कुक करेंगे, फिर मैं गैस को कर दूंगी ऑफ। ये देखिए मैंने गैस को कर दिया है ऑफ, और ये बन करके हो गया है तैयार, और ये कितना यम्मी लग रहा है, और इसे हम सर्व करेंगे। तो आप चाहें तो मेरे रेसिपी को ट्राई भी कर सकते हैं, करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, और ये इतना यम्मी लग रहा है, आप इसे रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।